और एक है कि जिंदगी को प्रेजेंट और मौत को फ्यूचर मान के सुनना। जिंदगी साथ में मेरे रहो, ये जिंदगी कह रही है कि साथ में मेरे रहो पर चर्चे किसी और की। बहुत बात की बात, मौत की बात बहुत कह दी, तब है कि साथ में मेरे रहो पर चर्चे किसी और की, जिंदगी ये पूछ बैठी मौत पर लिखने के बाद। जिंदगी ये पूछ बैठी मौत पर लिखने के बाद। और एक, चूंकि जिंदगी के पिछले 3 साल कॉर्पोरेट में रहा, और कॉर्पोरेट में रहा यही काफी है, जहां तक सर आदर्श भाई जहां तक पहुंचे उससे थोड़ा नीचे था, तो उस जिंदगी के नाम कि जिंदगी को नफा नुकसान का जब हिसाब दूंगा मैं, जिंदगी को नफा नुकसान का जब हिसाब दूंगा मैं, कहूंगा बेचकर वक्त कल मैंने कुछ पैसे कमाए। और चूंकि आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं तो सुनाने में वाकई मजा आ रहा है, तो उस इसी अंदाज के नाम की जनाजे में उठ के मेरा बस शरीर जलेगा, जनाजे में उठ के मेरा बस शरीर जलेगा, जिंदा रहूंगा शब्दों में मैं जिंदगी के बाद। और फिर इसी अंदाज के नाम कि मेरे नाम पर अल्फाज मेरे बोलेंगे एक दिन, मेरे नाम पर अल्फाज मेरे बोलेंगे एक दिन, जहन में हूं जवान तक कभी आया नहीं हूं मैं। और इससे पहले किसानों की बात हो रही थी, आपने की थी, तो उस वक्त मेरी अपनी तो कोई शेर नहीं है, मेरे छोटे भाई की एक शेर है, वो याद आ गया मुझे कि बाबा कब हमसे गजल चाहते थे, बाबा कब हमसे गजल चाहते थे, जमींदार थे सो फसल चाहते थे, बाबा कब हमसे गजल चाहते थे, जमींदार थे सो फसल चाहते थे, हम थे कि हर बात दिल तक ले आए, वो हर बात में अकल चाहते थे। और जिंदगी के नाम दूसरा शेर की जिंदगी ताउम्र, ये मेरा सिग्नेचर शेर है कि जिंदगी ताउम्र संभलती रही दो पांव पर, जिंदगी ताउम्र संभलती रही दो पांव पर, मौत ने आते कहा मुझे 4 कंधे चाहिए। जिंदगी ताउम्र संभलती रही दो पांव पर, जिंदगी ताउम्र संभलती रही दो पांव पर, मौत ने आते कहा मुझे 4 कंधे चाहिए। और माँ के नाम, दरअसल इसमें माँ कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी ये गजल माँ, ये एक दो जो लाइनें हैं वो माँ को समर्पित है, ये मेरी 2 लाइनें कई बार कई जगहों पर कॉपी की गई है, तो ये कुछ यूं है कि ननिहाल की ये बात अच्छी लगती है मुझको, ननिहाल की ये बात अच्छी लगती है मुझको, ननिहाल की ये बात अच्छी लगती है मुझको, माँ के नाम से मुझे वहां पहचानते हैं लोग। यूं है कि उसने देख लिया सुबह कत्ल होते हुए, उसने देख लिया सुबह कत्ल होते हुए, शाम बाजार से लौटा नई आंखें खरीद कर, उसने देख लिया सुबह कत्ल होते हुए, शाम बाजार से लौटा नई आंखें खरीद। और एक बार यूं हुआ कि ताजमहल देखने गया, देखने जाना चाहिए यार, ताजमहल बहुत खूबसूरत है, बाकी उस पर बहुत सारे डिस्कशन चलते रहते हैं कि वो ताजमहल है नहीं है, प्यार की निशानी है नहीं है, जो भी है, इन सबसे इतर कि ताजमहल पर एक मेरा नजरिया था कि ताजमहल पत्थर का है इसीलिए सुंदर इतना, ताजमहल पत्थर का है इसीलिए सुंदर इतना, होता अगर इंसान तो अब तक कितना बदल गया हो। वाकई बहुत खूब सुन रहे हैं आप लोग कि ताजमहल पत्थर का है इसीलिए सुंदर इतना,
ताजमहल पत्थर का है इसीलिए सुंदर इतना होता, अगर इंसान तो अब तक कितना बदल गया होता। कितनी आग समेटे रखता है खुद में, कितनी आग समेटे रखता है खुद में, इंसान भी तो माचिस की डिब्बी होता है। और एक थोड़ी बहुत, अब एक दो इस मोहब्बत की बातें कर लेता हूं, आपने कह दिया तो कर लेते हैं। कि हया के पर्दे उनकी आंखों पर, हया के पर्दे उनकी आंखों पर, कोई रहने लगा है अंदर क्या? हया के पर्दे उनकी आंखों पर, कोई रहने लगा है अंदर क्या? फिर से शुरू करता हूं। कि दिल में पत्थर रख लेती है वो भी कितनी दरिया दिल है, दिल में पत्थर रख लेती है वो भी कितनी दरिया दिल है, खुद को पत्थर कह देता हूं मैं भी कितना पत्थर दिल हूं। और पिछली बार मैं रुक इसलिए गया कि खुद को पत्थर दिल कहने से पहले डर लगा मुझे। और एक और है कि नजरें तुमसे अगर नहीं मिलती, नजरें तुमसे अगर नहीं मिलती, इस आंखों में रह गया होता। और इसी आंखों में कि मुझे न कैद करो आंखों में, मुझे न कैद करो आंखों में, तुम्हें अलविदा कहना है मुझे। और इसी पर एक कि मेरा कुछ छूट गया है मुझसे, जब अपनी महबूबा से मिलकर लौट रहा था तो लौटते वक्त उसे ये दो लाइनें भेजी कि मेरा कुछ छूट गया है मुझसे, तेरी आंखों में रह गया होगा। कब अकेला मैं जगा हूं अंधेरी रात में, कब अकेला मैं जगा हूं अंधेरी रात में, मेरे तकिए मेरा बिस्तर दरो दीवार मेरे घर के, जगे रहते हैं सब मुझको सुलाने के लिए अक्सर। कब अकेला मैं जगा हूं अंधेरी रात में, मेरे तकिए मेरा बिस्तर दरो दीवार मेरे घर के, जगे रहते हैं सब मुझको सुलाने के लिए अक्सर। किसी को सुननी होती है मेरी धड़कन, किसी को सुननी होती है मेरी धड़कन, किसी को ढोना होता है मेरा ख्वाब, मुझे घेरे हुए खामोश, मुझे घेरे हुए खामोश, कोई सुनता है मेरी हर बात और कोई किसी से कुछ नहीं कहता, सिवाय मेरी तन्हाई के जो करती है बातें सबसे एक एक कर। सिवाय मेरी तन्हाई के जो करती है बातें सबसे एक एक कर। अगली पंक्ति पर नजर रखना कि कभी भी रोकता नहीं दरवाजा देर आने पर, कभी भी रोकता नहीं है दरवाजा देर आने पर, ना ही बिस्तर को होती है शिकायत दिन भर औरों के साथ, ना ही बिस्तर को होती है शिकायत दिन भर औरों के साथ का, शायद सब हो गए हैं मेरे जैसे, मेरे कमरे में लगे पंखे और बल्ब भी नहीं, अब मेरी जिंदगी भी चलती है मेरे हिसाब से। बहुत खूब सुना आप सबने, और वाकई 3 साल से दिल्ली में हूँ, ये दूसरी दफ़ा होगा कि जब सुनाना अच्छा लगा, और मैं जितना सुना सकता था सुनाया, वैसे और भी बची हुई है लेकिन भाई साहब और हैं तो आप आएँ, वक्त भी बहुत हो चुका है। और धन्यवाद, धन्यवाद कच्चा चिट्ठा ग्रुप, वर्डसूत्रा। और हाँ, मैं भी गुजारिश करूँगा यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वर्डसूत्रा को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और ऐसे ही कविता सुनने के लिए लगातार सुनते रहिए। एक चलो मैं, मतलब मेरे से वाकई में गजल नहीं हो पाता है, गजल मैं लिख नहीं पाता, कोशिश की थी एक बार कि लंबा है ये सफ़र अभी मुझे वक्त लगेगा, लंबा है ये सफ़र अभी मुझे वक्त लगेगा, हूँ आदमी है ख्वाहिश मेरी इंसान बनने की। लंबा है ये सफ़र मुझे अभी वक्त लगेगा, हूँ आदमी है ख्वाहिश मेरी इंसान बनने की, सिखाना हो तो तुम मुझे इंसानियत सिखा, सिखाना हो तो तुम मुझे इंसानियत सिखा, कहानी न बता गीता और कुरान बनने की। आगे की बस्ती हो मगर बस्ती जहां इंसानियत न हो, बस्ती हो मगर बस्ती जहां इंसानियत न हो, जरूरत नहीं जमी को शमशान होने की। और आखिरी है कि दिखने लगे आपस में भरोसा अगर रीते, दिखने लगे आपस में भरोसा अगर रीते, जरूरत नहीं पत्थर को है भगवान बनने की। और कि वो जो कहता है कि मंदिर मस्जिद में बैर है, वो जो कहता है कि मंदिर मस्जिद में बैर है,
सुबह अजान सुन के जगा, मंदिर चला गया। चलिए शुक्रिया। ताजमहल पत्थर का है इसीलिए सुंदर इतना, ताजमहल पत्थर का है इसीलिए सुंदर इतना, होता अगर इंसान तो कितना बदल गया होता। धन्यवाद धन्यवाद।